नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम जानेंगे नोजल के डिस्चार्ज की कैलकुलेशन के बारे में कि जो नोजल होती है वो एक मिनट के अंदर कितना पानी डिस्चार्ज करती है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। जब भी हमें नोजल का डिस्चार्ज को कैलकुलेशन करना होता है, एक मिनट के अंदर कितना पानी वो डिस्चार्ज करता है, तो उस समय हमें सबसे पहले के क्वेश्चन दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास में क्वेश्चन है, एक नोजल जिसका डाया जिसका डायामीटर 20 mm है तथा नोजल में पानी का प्रेशर 4 bar का, है, तो एक मिनट में नोजल कितना पानी डिस्चार्ज करेगी, ये क्वेश्चन है अपने पास में। और इसी की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। एक नोजल जिसका डाया 20 mm है तथा नोजल के अंदर जो पानी का प्रेशर है वो 4 bar है, तो एक मिनट के अंदर नोजल कितना पानी डिस्चार्ज करे ये हमें निकालना है। तो जब भी हमें नोजल के डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना होता है, उस समय के छोटे से फॉर्मूले का हम यूज में लेते हैं। फॉर्मूला है अपने पास में, नोजल डिस्चार्ज गणना बराबर 2/3 मल्टीप्लाई डायमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करना है इसको रूट पी से। ये जो पी है ये है प्रेशर। अब जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी है वो साइड में एक बार लिख लेंगे। सबसे पहले नोजल का जो डाया है, नोजल का डाया अपने पास है कितना, 20 mm 20 mm। उसके बाद में दूसरी चीज हमें दी है, नोजल के अंदर पानी का जो प्रेशर है वो कितना है, 4 bar। नोजल के अंदर जो प्रेशर है पानी का वो 4 bar। बस इन्हीं दोनों को इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है और जो ही सोल्व करेंगे अपना आंसर निकल जाए। अब किस तरीके से इसको सोल्व करना है, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई डायमीटर स्क्वायर, तो डायमीटर अपने पास में कितना है, 20 mm 20 mm, उसका स्क्वायर 2 bar लिखना है। इसको स्क्वायर है तो कितनी बार, 2 bar इसको लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई रूट पी, जो प्रेशर है वो रूट के अंदर वैल्यू इसके अंदर आए, तो रूट पी की वैल्यू अपने पास में कितना है, 4 bar। यस, फिर आगे इसको हल करें तो 2/3 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, और रूट जो 4 है वो किस संख्या का रूट होता है, 2 का। बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है और 3 से जो ही डिवाइड करेंगे तो एक मिनट के अंदर नोजल का जो डिस्चार्ज है वो आ जाएगी वैल्यू। अब इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 4 × 8 और 8 × 16, इनको मल्टीप्लाई किया तो 16, और 2 0 ऊपर है तो ऊपर लिख दिया हमने 2 0। डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। अब 1600 को अगर हमें 3 से डिवाइड करें तो 3 × 5 15,
एक शेष उतारेंगे जीरो, तीन तिया नौ, बचा कितना एक उतारेंगे जीरो, तीन तिया नौ, शेष पर कितना आया एक, फिर लगाएंगे पॉइंट तीन तिया नौ। कहने का मतलब यह है कि अपने पास जो वैल्यू आई वो कितनी, 533 लीटर, 533 लीटर जो वैल्यू है वो निकल के आई एक मिनट में। एक नोजल जिसका डाया 20 mm है और उस नोजल के अंदर जो पानी का प्रेशर है वो 4 bar का है, तो एक मिनट में नोजल कितना पानी डिस्चार्ज करेगी, 533 लीटर जो पानी है वो नोजल डिस्चार्ज करेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी नोजल का डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।